नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सबा। क्या पाकिस्तान फिर तखला पलट की राह पर है? जी हां, अब पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी के ताजा बयान से सवाल उठने लगा है। अब्बासी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान में जैसे मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट है, ऐसे में सेना तख्ता पलट कर सकती है। उन्होंने कहा कि अतीत में सेना ने बहुत कम गंभीर परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया है। एक इंटरव्यू में अब्बासी ने कहा, अगर सिस्टम फेल हुआ या जब संस्थानों के बीच संघर्ष होता है और राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ने में असमर्थ होता है तो मार्शल लॉ लग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में बहुत समान स्थितियों में काफी लंबे समय तक मार्शल लॉ रहा है। पाकिस्तान ने पहले कभी भी इतनी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति नहीं देखी। बहुत कम गंभीर परिस्थितियों में ही सेना ने सत्ता संभाली है। अब्बासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज और संस्थानों के बीच संघर्ष बहुत गहरा हो गया तो ऐसी स्थिति में सेना भी कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कई देशों में हो चुका है। जब राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तब अंतरिक्ष संवैधानिक उपाय होते हैं। हालांकि पीएमएलएन नेता ने उम्मीद जताई कि सेना मार्शल लॉ लाने के विकल्प पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़।